तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो नाइन्थ में आपने ऑलरेडी लर्न किया होगा सेल, टिश्यू, ये सब बेसिक पॉइंट्स। लेकिन इलेवेंथ में ये सेल थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन किया है। तो सेल किसने डिस्कवर किया, व्हाट इज़ मीन बाय सेल, व्हाट इज़ मीन बाय टिश्यू, ये तो आपको बेसिकली पता ही है। लेकिन अगेन हम यहाँ डीपली स्टडी करेंगे सेल की डेफिनेशन के साथ, व्हाट इज़ मीन बाय सेल। तो सेल का मतलब है स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, भी आप इसे बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेल। ठीक है, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो, मे बी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, मे बी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी ऑर्गेनिज्म सेल से ही बनते हैं। तो इट इज अ बेसिक यूनिट, ये सभी ऑर्गेनिजम्स का क्या है, बेसिक यूनिट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल, तो डेफिनेशन क्या है सेल की, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ मीन्स ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म किस तरह के होते हैं, लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो है सेल। इट इज अ बेसिक यूनिट भी आप बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और व्हाट इज मीन बाय सेल बायोलॉजी, बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका स्टडी करना, इसका मतलब है सेल बायोलॉजी। आप किसका स्टडी कर रहे हो, सेल का, कहाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ हम सेल लर्न करेंगे। तो सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवर किया, कहाँ से, फ्रॉम बार्क ऑफ कॉर्क ऑफ द ट्री। तो व्हाट इज मीन बाय कॉर्क, किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने, कहाँ से डिस्कवर किया, कॉर्क से। तो बार्क और कॉर्क में क्या डिफरेंस है, बार्क मीन्स सपोज ये ट्री है और ट्री के ऊपर जो भी ब्राउन कलर का रीजन है, इट इज कॉल्ड एज अ बार्क, और इस बार्क का सेल, इसका मतलब है कॉर्क। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम कॉर्क से फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने। तो सेल से जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तो वो प्रोकैरियो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, मे बी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे, मे बी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स सिंगल, जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बनते हैं इट इज कॉल्ड एज अ यूनिसेल्युलर, जो ऑर्गेनिजम्स नंबर ऑफ सेल्स से बनेंगे इट इज कॉल्ड एज अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल से मेनी सेल से। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल्स कौन सा है, अमीबा, अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मोनेरा, ऑल किंगडम मोनेरा, मोनेरा का मतलब क्या है, बैक्टीरिया, जो भी सभी बैक्टीरिया है वो भी क्या है, कंपल्सरी यूनिसेल्युलर। अमीबा किस में आता है, अमीबा पैरामेशियम, दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्ट, हमने फर्स्ट टॉपिक में ही पढ़ा है, पहले डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स के किंगडम्स लर्न किए हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमेलिया।
तो किंगडम मोनेरा में कौन आते हैं? सभी टाइप्स के बैक्टीरिया। किंगडम अमीबा किस में आता है? प्रोटिस्ट में, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो ये सभी ऑर्गेनिजम्स किससे बनते हैं? एक ही सिंगल सेल से, इट इज कॉल्ड एज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टीसेल्युलर के एग्जांपल्स कौन से हैं? फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स, ऑल एनिमल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। समझ में? ऑर्गेनिजम्स को हमने दो फॉर्म में डिफरेंशिएट किए हैं, कई कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर नेचर के होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल से बनने वाले, मल्टीसेल्युलर मीन्स मेनी सेल से। हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी है, इट इज कॉल्ड एज अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो सिंगल सेल में कौन आते हैं? किंगडम मोनेरा मीन्स सभी बैक्टीरिया। यूनिसेल्युलर में और कौन से हैं? प्रोटिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। नंबर ऑफ सेल से कौन बनते हैं? मेनी सेल से, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमेलिया, ये सब मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, यूनिसेल्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स के दो टाइप्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। सेल दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल हो सकता है और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। सेल आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये क्या है? ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? दो सेल के टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। पहले इसका एक्चुअल मीनिंग हम देखते हैं। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव। कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस। यू मतलब है ट्रू। अगेन कैरियोट्स का मतलब है न्यूक्लियस। जिस सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव का मतलब नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। ठीक है, ये बहुत डीप पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल का, हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे इसका इन डिटेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल मींस प्रिमिटिव न्यूक्लियस कैरी करने वाला सेल। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है? नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। वेल न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन उसे प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। इस तरह का जो सेल है इट इज कॉल्ड एज एन प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक मींस जिसमें ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? प्रेजेंट है, वो सेल क्या होता है? यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। अगेन प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से एग्जांपल्स आते हैं? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा मींस अगेन बैक्टीरिया। All bacteria are the examples of prokaryotic cell. Means bacteria are prokaryotic as well as unicellular. First topic क्या हमने in detail देखा है कि general characteristics of all five kingdoms, that is a kingdom monera, ये unicellular है as well as prokaryotic nature का है। Eukaryotes में कौन से examples आते हैं? Eukaryotic, protist, fungi, plantae and animalia. प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया आर द एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इन सभी में कौन सा टाइप का न्यूक्लियस है? सॉरी सेल है, यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। ठीक है, तो अगेन बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर, प्रोटिस्ट आर यूकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर, करेक्ट। फंजाई यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेल्युलर, प्लांटी यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेल्युलर, एनिमेलिया यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेल्युलर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, रिस्पेक्टिव किंगडम यूनि और मल्टी है, प्रो है या यूकैरियोटिक टाइप का है। ठीक है, तो ये थे एग्जांपल्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल,
ये हम डिटेल में आप देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल. नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल, ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है. अभी यहां मैंने बताया प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कैरी करने वाले सेल. तो फर्स्ट प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, दे कैरी प्रिमिटिव न्यूक्लियस, दे कैरी वेल डेवलप्ड और ट्रू न्यूक्लियस. They carry true nucleus, correct? Primitive का मतलब क्या है? Not well developed nucleus, not well developed nucleus. यह क्या है? Well developed, ठीक है. Next, तीसरा difference मैंने क्या बताया था यहाँ? Nuclear membrane is absent. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है यहाँ? एब्सेंट. यहाँ क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? प्रेजेंट, ठीक है. नेक्स्ट, ये तीन दो डिफरेंस मैंने यहाँ बताए थे. नेक्स्ट डिफरेंस क्या है हमारा लास्ट वाला? एग्जांपल्स किंगडम मोनेरा, सब भी प्रोकैरियोटिक, ऑल फोर किंगडम्स आर एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक. देन इसके पहले और क्या क्या है? अगर प्रोकैरियोटिक सेल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ प्रोकैरियोटिक सेल की. सपोज दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है. तो इस प्रोकैरियोटिक सेल को अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो इसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ एम्बेडेड होगा? साइटोप्लाज्म में, करेक्ट. तो ये इसका क्या है? साइटोप्लाज्म. सेल के अंदर जो भी कंटेंट है, इट इज मैट्रिक्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. तो यहाँ साइटोप्लाज्म का अगेन डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन इट इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स, ठीक है. तो यहाँ इसका अगर डीएनए प्रेजेंट है और इसे अगर इसकी खुद की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा? यहाँ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट और एम्बेडेड इन टू द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो इसका कॉन्टेक्ट डायरेक्टली किससे होगा? साइटोप्लाज्म से. तो हेंस DNA embedded in cytoplasm, directly embedded into cytoplasm, ठीक है. और यहां do not directly embedded into the cytoplasm. For example, suppose ये cell है और इस cell में ये nucleus है, तो इसे nuclear membrane present है, तो इसका जो genetic material है वो genetic material directly cytoplasm के contact में नहीं आता, ठीक है. तो यहां ये साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली एम्बेडेड नहीं है. समझ में आ रहा है? डायरेक्टली एम्बेडेड इनटू द साइटोप्लाज्म, डू नॉट एम्बेडेड इनटू द साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक डीएनए को बोला जाता है न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट डाउन करना है. जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड प्रेजेंट इन ओनली बैक्टीरिया, क्यों उसे न्यूक्लियोइड बोलेंगे? क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड, ठीक है. नेक्स्ट, इन प्रोकैरियोटिक सेल membrane bound cell organelles are absent. Membrane bound cell organelle are absent. Membrane bound cell organelle का मतलब क्या है? Means organelle का मतलब क्या है? Cell के organs, जैसे हमारे hand, legs, ear, nose, head, chest, ये कुछ special organs है और इन ऑर्गन से क्या बनती है? हमारी सिस्टम.
तो आपको नाइन्थ में गया है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड एज अ टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू अगर एक साथ आए तो उससे क्या बनता है, ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आए तो उससे क्या बनती है, ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम्स यूनाइट हुए तो बॉडी, ठीक है, मीन्स ऑर्गेनिज्म बनेगा यहाँ, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मीन्स बॉडी के ऑर्गन जैसे होते हैं उसी तरह सेल के भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। मीन्स बॉडी में अगर हैंड एब्सेंट है तो हम काम नहीं कर सकते, बॉडी में अगर हार्ट एब्सेंट है तो सर्कुलेशन नहीं होगा, किडनी एब्सेंट है तो ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा। मीन्स सभी ऑर्गन्स हमारे बॉडी के लिए क्या है, रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से सेल में कुछ ऑर्गेनेल्स है, किसके लिए, सेल के प्रॉपर फंक्शंस रोल प्ले करने के लिए, सेल के एक्टिविटीज फॉलो करने के लिए। तो यहाँ सेल के ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो जो भी ऑर्गेनेल्स है उसमें खुद की मेम्ब्रेन नहीं है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। मीन्स फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को उसकी खुद की मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इट इज कॉल्ड एज अ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, इट इज कॉल्ड एज अ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया तो कंप्लीटली एब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, वैक्यूल्स आर एब्सेंट। तो जो भी मेम्ब्रेन होने वाली सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब भी सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, यहाँ एब्सेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। तो यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और मेसोजोम्स आर प्रेजेंट, यहाँ मेसोजोम्स आर एब्सेंट। तो मेसोजोम कौन सा स्ट्रक्चर है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के तीन लेयर्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के कितने लेयर्स होते हैं, तीन, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर, आउटर, मिडल एंड इनर लेयर, किसके, प्रोकैरियोटिक सेल के। हाँ, आउटर लेयर इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स, इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। मिडल लेयर इज कॉल्ड एज सेल वॉल एंड इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप उसे बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल के, प्रोकैरियोटिक सेल के तीन लेयर्स क्या, ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मेसोजोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं और किससे तैयार होते हैं, तो जो इनर मोस्ट लेयर है इट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर एक्सटेंड होने से यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस तैयार होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स है इट इज कॉल्ड एज मेसोजोम्स, इट इज कॉल्ड एज मेसोजोम्स। तो यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है, इसका मतलब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एब्सेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो सेल को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज अ मेसोजोम्स। तो मेसोजोम का फंक्शन क्या है, टू सिंथेसाइज एनर्जी, टू सिंथेसाइज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मेसोजोम्स ये एनर्जी सिंथेसाइज करने में रोल प्ले करते हैं, जैसे प्रो यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सिंथेसाइज करते हैं, वैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सिंथेसाइज करता है एनर्जी, मेसोजोम्स। मेसोजोम्स अराइजेस फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किससे तैयार होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तैयार होते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, ग्लाइकोकैलिक्स। मिडल लेयर कौन सी है, सेल वॉल। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोकैलिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लिम लेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। विच लेयर इज कॉल्ड एज अ स्लिम लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्लिम लेयर। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये स्लाइटली स्लिम होती है, स्लिम एक्चुअली स्लिपरी, विस्कस नेचर की होती है, जो कि स्पेसिफिक ऑर्गन को क्या करती है, ये एंकरिंग करती है, अटैच करती है। मीन्स हमारे बॉडी में अगर बैक्टीरिया घुस गए,
ठीक है, तो वो बैक्टीरिया हमारे स्टमक को, इंटेस्टाइन को अटैच होकर रहते विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स और स्लिम लेयर। मींस इनका फंक्शन है अटैचमेंट और एंकरिंग और टू स्टिक द स्पेसिफिक ऑर्गन ऑफ होस्ट। हमारी बॉडी बैक्टीरिया के लिए क्या है? होस्ट। तो ये होस्ट के बॉडी में अटैच करने के लिए ग्लाइकोकैलिक्स का क्या करता है, ये यूज करता है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्लिम लेयर, सेल वॉल, मिडल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ एब्सेंट है? प्रोकैरियोटिक में। कहाँ प्रेजेंट है? यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल दे आर कंपल्सरी पैरासाइटिक इन नेचर। ये क्या है? पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक का मतलब क्या है? डिपेंड ऑन अदर। अदर मीन्स किस पर? वो कंप्लीटली होस्ट पर डिपेंड होते हैं। कंप्लीटली डिपेंड ऑन अदर। कंप्लीटली का मतलब क्या है? वो फूड के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए और वाटर के लिए, वो पूरा का पूरा हम पर डिपेंड है। मींस हमारे अंदर अगर इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया घुस गए, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं, वो बैक्टीरिया कंप्लीटली हम पर डिपेंड है। इट इज कॉल्ड एज अ पैरासाइटिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया। सम प्रोकैरियोटिक सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स खुद का न्यूट्रिएंट खुद तैयार करते, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया विद हेल्प ऑफ स्पेसिफिक पिगमेंट बैक्टीरियोक्लोरोफिल। विद हेल्प ऑफ स्पेसिफिक पिगमेंट दैट इज अ बैक्टीरियोक्लोरोफिल। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है आपको पता है? फोटोसिंथेसिस। टेंथ में ही आपको गया है क्लोरोफिल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। तो अगर वो क्लोरोफिल पिगमेंट बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड एज अ बैक्टीरियोक्लोरोफिल। वो अगर जिसमें प्रेजेंट है तो वो टाइप का बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल किस किस में प्रेजेंट है? फंजाई, प्रोटिस्ट, प्लांट एंड एनिमेलिया। तो कुछ सैप्रोफाइटिक हैं, कुछ ऑटोट्रॉपिक हैं और कुछ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले हैं। कुछ सैप्रोफाइटिक, कुछ ऑटोट्रॉपिक और कुछ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अगेन हम पहला वाला टॉपिक रिवाइज करेंगे, किंगडम फाइव किंगडम सिस्टम वाला। सैप्रोफाइटिक कौन है? कंपल्सरी फंजाई आर सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या है? डिपेंड ऑन डेड एंड डीकेइंग मटेरियल। डिपेंड ऑन डेड एंड डीकेइंग मटेरियल इज कॉल्ड एज सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक खुद का फूड खुद तैयार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑल प्लांट्स। हेटेरोट्रॉपिक किंगडम एनिमिलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये हुए यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एक्स्ट्रा डीएनए बिकम्स प्रेजेंट। एक्स्ट्रा डीएनए, कौन सा एक्स्ट्रा डीएनए है इसमें? दैट इज अ प्लाज्मिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर, सॉरी इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मिड। इस तरह से ये, तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर है? व्हाट इज मीन बाय प्लाज्मिड? किस तरह से दिखता है ये आपको? सर्क्यूलर है, करेक्ट, और दो बार मैंने यहाँ सर्कल्स निकाले है। दैट इज अ डबल स्टैंडर्ड। डीएस का मतलब है डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही है ये। क्या है? डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेट होता है ये, मतलब बताती हूँ। और लास्ट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। तो व्हाट इज मीन बाय प्लाज्मिड? बहुत बार नीट को ये डेफिनेशन रिपीट हुई है, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, व्हाट इज मीन बाय प्लाज्मिड? और एक्स्ट्रा डीएनए जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है? दैट इज अ प्लाज्मिड। डेफिनेशन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सर्क्यूलर, डबल स्टैंडर्ड, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। क्या डेफिनेशन में कौन कौन से वर्ड आने चाहिए? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब क्या है? बैक्टीरिया का खुद का जेनेटिक मटेरियल है, इट इज कॉल्ड एज अ बैक्टीरियल डीएनए। उसका जो खुद का मटेरियल है, इट इज कॉल्ड एज अ बैक्टीरियल डीएनए। उससे छोड़ के और एक डीएनए उसके उसमें प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड एज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए किस तरह से दिखता है? सर्क्यूलर, डबल स्टैंडर्ड, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ का मतलब खुद, रेप्लिकेट होता है मीन्स खुद
के डीएनए जैसा और एक डीएनए वो तैयार करता है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? टू मेक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ, वो खुद के जैसा और एक डीएनए की कॉपी प्रिपेयर करता है, इट इज कॉल्ड एज अ रेप्लिकेशन। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय प्लाज्मिड? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए प्रेजेंट इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज कॉल्ड एज एन प्लाज्मिड। ठीक है, तो यहाँ प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं ऑल बैक्टीरिया में, प्लाज्मिड्स आर एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहां मैंने और एक स्ट्रक्चर निकाला है, ये हेयर्स लाइक, इट इज कॉल्ड एज अ फ्लाजेला। फ्लाजेला कंपलसरी प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, दैट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, दे आर एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल बट प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल सम प्रोटिस्ट एनिमल सेल में स्पर्म, ये एग्जाम्पल है, एनिमल सेल में क्या है? स्पर्म। प्रोटिस्ट में हमने ऑलरेडी लर्न किया है, प्रोटिस्ट में डायनोफ्लाजिलेट्स आते हैं, यूग्लिनॉइड्स आते हैं, तो ये जो एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स किसके हैं? फ्लाजेला प्रेजेंट होने वाले प्रोटिस्ट हैं, जिनमें फ्लाजेला प्रेजेंट है वो एग्जाम्पल्स हैं प्रोटिस्ट में डायनोफ्लाजिलेट्स एंड डायनोफ्लाजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लाजेला कंटेनिंग प्रोटिस्ट। और एनिमल सेल में कौन सा एग्जाम्पल है? स्पर्म। मोस्टली बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्पर्म की मूवमेंट कैसी है, फ्लाजेलार मूवमेंट। तो आपने टेंथ में स्पर्म की डायग्राम देखी है, ये स्पर्म है, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, तो ये स्पर्म की टेल है, तो स्पर्म की टेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्लाजेला। तो स्पर्म की मूवमेंट है फ्लाजेलार मूवमेंट, स्पर्म की मूवमेंट किस तरह की है? फ्लाजेला, द टेल ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज एन फ्लाजेला। तो मोस्टली यूकैरियोटिक सेल में फ्लाजेला एब्सेंट होता है, लेकिन जिनमें प्रेजेंट होता है वो एग्जाम्पल्स मैंने अभी बताया, सम प्रोटिस्ट एंड एनिमल सेल में स्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट, सिलिया एंड पिलाई आर प्रेजेंट इन कहा? प्रोकैरियोटिक सेल, एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल, मोस्टली एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल, बट मैं एग्जाम्पल बताऊंगी किसमें प्रेजेंट है। तो सिलिया और पिलाई का फंक्शन है फॉर एंकरिंग एंड अटैचमेंट। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोकैलिक्स एंकरिंग करता है, तो इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर इस तरह के छोटे छोटे फ्लाजेला लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इट इज कॉल्ड एज एन सिलिया, इट इज कॉल्ड एज एन सिलिया एंड पिलाई। तो ये फंक्शन करते हैं, हमारे बॉडी को अगर इनको एंकरिंग करना है तो वो सिलिया और फ्लाजेला, सिलिया और पिलाई के थ्रू क्या करते हैं? एंकरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अ प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में एब्सेंट है। लेकिन प्रोटिस्ट में पैरामेशियम एग्जाम्पल आपने देखा है, पैरामेशियम को सिलिया प्रेजेंट होती है, सिलिया प्रेजेंट इन पैरामेशियम, बट मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स में सिलिया एंड पिलाई आर एब्सेंट। ठीक है, सिलिया एंड पिलाई आर एब्सेंट। तो ये था एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन होता है लेकिन वो एनएरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन करते हैं, यूकैरियोटिक सेल रेस्पिरेशन करते हैं लेकिन वो एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन करते हैं। ये भी एग्जांपल, एक डिफरेंस आप लिख सकते हो, एनएरोबिक एज वेल एज एरोबिक, बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फॉलोड इन प्रोकैरियोटिक सेल, और ये कंपल्सरी एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड एज अ बैक्टीरियो क्लोरोफिल। मोस्टली दे आर पैरासिटिक इन नेचर, दे आर पैरासिटिक सैप्रोफाइटिक एज वेल एज हिटरोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, तो ये एग्जांपल, ये डिफरेंस हुआ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल का। नेक्स्ट डिफरेंस हम देख लेते हैं, व्हाट इज मीन बाय यूकैरियोटिक सेल में, अगेन हम डिफरेंस देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में अगेन हम दो टाइप्स के सेल डिफरेंशिएट करेंगे जो कि हम इस पूरे टॉपिक में लर्न करेंगे, दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यूकैरियोटिक सेल आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पहले हम प्लांट सेल लिख लेते हैं और उसके बाद एनिमल सेल, एनिमल सेल। ठीक है,
आपने डेफिनेशन में भी देखी होगी और डायग्राम भी आपने देखी होगी, लेकिन आप और एक बार अपना एनसीईआरटी का पेज ओपन करके देख लीजिए, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस दिया गया है, सॉरी प्लांट और एनिमल सेल की डायग्राम फोकस की गई है, ठीक है। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल डिफरेंस इन दोनों सेल में। गणेश सर, बहुत ही सिंपल डिफरेंस इन दोनों सेल में, इन केस ऑफ प्लांट सेल, सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट। किंगडम ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम में हमने देखा था, यहां सेल वॉल क्या है, एब्सेंट। सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट। स्टॉप कीजिए,